नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सूर्यवंशी एकेडमी के इस चैनल पर। आज टॉपिक लिया है बुक्स के विषय में। आज हम कुछ किताबों के बारे में जानेंगे कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के दौरान कौन कौन सी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं। बेसिकली अगर बात की जाए MPPSC या राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षाओं की, तो इन परीक्षाओं में इतिहास विषय पढ़ा जाता है, भूगोल पढ़ा जाता है, अर्थव्यवस्था पढ़ी जाती है, राज व्यवस्था पढ़ी जाती है, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, MP, विज्ञान और खेल, करंट, इन प्रकार के टॉपिकों से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब जानते हैं कि किस किस टॉपिक के लिए कौन कौन सी किताबें जो हैं वो पढ़नी चाहिए और कौन सी किताबें अच्छी होती हैं। सीधे आपको किताबों की ओर लेके चलता हूँ मैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब बात करते हैं किताबों की। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त बहुत सारी अलग अलग प्रकार की किताबें आपको दुकानों पर मिलती हैं, पर प्रश्न उठता है कि कौन सी किताब का चयन किया जाए और कौन सी पुस्तक आपको सफलता दिलाएगी। मैं विषय लेते हुए कि किस विषय में कौन सी किताब पढ़नी है, वैसे आपको समझाता चलूँगा। सबसे पहले आज हम विषय लेते हैं किताबों के लिए कि विज्ञान विषय में हमको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं यहाँ पर। पहली पुस्तक है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। इस पुस्तक का प्रकाशन किया है परीक्षा वाणी ने। ये परीक्षा वाणी की पुस्तक है, SK ओझा इसके राइटर हैं और NCERT पर आधारित ये पुस्तक है। बेसिकली अगर बात की जाए सिंगल इस पुस्तक की, तो ज़्यादा मोटी पुस्तक नहीं है, पतली सी पुस्तक है, हाथ में आ जाएगी आसानी से। इस पुस्तक के अंदर आपको टॉपिक वाइज, अलग अलग टॉपिक वाइज बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। इस पुस्तक का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो पहली पुस्तक हो गई पारिस्थितिकी के लिए परीक्षा वाणी की। इसमें सारी चीज़ें हैं, जिस प्रकार से अगर आपको बताया जाए कि चार्ट के माध्यम से इसमें जानकारी है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में इसमें बहुत सारी जानकारी है। तो ये किताबें इस प्रकार की चीज़ों को कवर करती हैं, तो याद रखिएगा। दूसरी पुस्तक लेते हैं, ये भी परीक्षा वाणी की पब्लिकेशन की है। ये है कृषि एवं प्रौद्योगिकी की। एग्रीकल्चर के विषय में अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है या एग्रीकल्चर आपके सिलेबस में एक हिस्सा है तो आप ये वाली किताब पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। इसमें भी इसी प्रकार से विविध प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं और डिटेल बताई गई है। बात की जाए जीव विज्ञान विषय की, जीव विज्ञान एक ऐसा विषय है जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवेज़ हों या फिर PEB की एग्ज़ाम्स हों, कांस्टेबल या आरक्षक जैसी एग्ज़ाम में ये जो विज्ञान विषय है ये लगभग 20 नंबर से 30 नंबर के बीच में पूछा जाता है। MPSI में, MPPSC में, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में विज्ञान पूछा जाता है। सबका आधार है जीव विज्ञान। विज्ञान के विषय में सबसे ज़्यादा जीव विज्ञान से प्रश्न बनते हैं। जीव विज्ञान को संग्रहित करती हुई ये पुस्तक, परीक्षा वाणी की पुस्तक है ये। जीव विज्ञान NCERT पर आधारित है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आप इसको एक बार अवश्य पढ़ें। परीक्षा वाणी की और स्पीडी की बुक्स पढ़ चुके हैं, अब आपको कुछ बेसिक जानकारी पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप NCERT की वेबसाइट पर जाकर, मैं आपको लिंक डाल दूंगा, NCERT की वेबसाइट पर जाकर आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने डाउनलोड कर रखी है बुक, ये आपको दिख रही होगी फोटोकॉपी के फॉर्म में। इस प्रकार से मैंने इस किताब को डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल रखा है। अगर इजी वे में आपको मिल जाती है तो आप खरीद सकते हैं मार्केट से, अगर नहीं मिल रही तो आप प्रिंटआउट भी निकाल के पढ़ सकते हैं। ये जो नोट्स हैं मेरे पास, ये 9th क्लास के हैं, इसी प्रकार से 11th के भी नोट्स हैं, 10th के भी नोट्स हैं, तो आप NCERT प्रीफर कीजिए। दोस्तों, इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमें हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब इतिहास की पुस्तकों की बात कर लेते हैं, तो इतिहास की सबसे पहली पुस्तक अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास ये छपी हुई है BL ग्रोवर और आलोक मेहता इसके पब्लिकेशन है। किताब का नाम है S. चंद एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा बनी है ये, बहुत अच्छी किताब है। आधुनिक भारत के इतिहास की संपूर्ण जानकारी इस किताब में आपको मिल जाएगी, बहुत ही विषयवार जानकारी है डिटेल में, आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में और मेंस की एग्ज़ाम में ये पुस्तक सपोर्ट करेगी। तो बात की जाए इतिहास विषय की, इतिहास विषय की अन्य पुस्तक में आप सामान्य अध्ययन यूनिक पब्लिकेशन की पुस्तक ले सकते हैं, ये पुस्तक बहुत अच्छी है। इस पुस्तक के कुल 5 मोटी मोटी किताबों के बंडल आते हैं, जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं अभी, ये 5वें नंबर की है। नंबर 1 में इतिहास है, इतिहास की संपूर्ण जानकारी आपको इस पुस्तक से मिल जाएगी, बहुत अच्छी पुस्तक है, मेरे हिसाब से आपको एक बार ये पढ़नी चाहिए। तो अगर आप इतिहास की अन्य किसी
पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आपको डायग्राम हो, आपको मैप याद करने में दिक्कत होती हो, स्थानों को याद करने में दिक्कत होती हो, या तिथियों को याद करने में दिक्कत आती हो, तो इस समस्या को हल करने के लिए आपके सामने एक किताब और मार्केट में उपलब्ध है। उस किताब का नाम है ज्ञान। ज्ञान का है ये पुस्तक। इसके ऊपर लिखा हुआ है ज्ञान संपूर्ण इतिहास, NCERT पर आधारित ये पुस्तक है। आप ये देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। ये पुस्तक बहुत रंगीन कलरफुल है, जिस प्रकार से इसमें मैप बने हुए हैं। ये किताब आपको बहुत सपोर्ट करेगी चीज़ों को पढ़ने के लिए, ये आपको सपोर्ट देती है, परंतु कुछ फैक्ट्स फिर भी छोड़ देती है। ठीक है, इसको कवर करने के लिए अपन एक और दूसरी पुस्तक देखेंगे जो संपूर्ण फैक्ट्स ले ले, तो ये किताब भी अच्छी है, पढ़ सकते हैं। भूगोल विषय के लिए बाज़ार में बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, परंतु उनमें से कौन सी पुस्तक का चयन किया जाए जो आपको सफलता दिलाए। मैं कुछ पुस्तकें पढ़ता हूँ, जिसमें से बौद्धिक प्रकाशन की दो पुस्तकें हैं। पहली है भारत का भूगोल और दूसरी है विश्व का भूगोल। जैसे कि अखबार में लपेटी हुई है, खैर ये जो पुस्तक है ये बौद्धिक प्रकाशन की है, इसमें भारत का भूगोल है। संपूर्ण जानकारी भारत के भूगोल की आपको इसमें मिल जाएगी, चैप्टर वाइज जानकारी है। मैं इस पुस्तक का लिंक आपको भेज दूंगा। आसानी से पुस्तक आपको बाज़ार में उपलब्ध है और सभी प्रकार के छोटे और कठिन फैक्ट्स इस पुस्तक में दिए हुए हैं। अच्छी पुस्तक है कुल मिलाकर। दूसरी पुस्तक की अगर बात की जाए तो दूसरी पुस्तक है आपकी इसी बौद्धिक प्रकाशन की विश्व का भूगोल। विश्व के सभी प्रकार की जानकारी इस पुस्तक में है। ये पुस्तक भी अच्छी है, एक बार अवश्य खरीदिएगा और पढ़िएगा। अगली अगर भूगोल की पुस्तक देखी जाए तो एक राइटर की पुस्तक है, ये है सविंद्र सिंह की। सविंद्र सिंह की ये पुस्तक बहुत मोटी पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है। सविंद्र सिंह माने हुए भूगोल के प्राध्यापक हैं, ये इलाहाबाद की केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में काम करते हैं और बहुत ही अच्छी डिटेल वाइज ये पुस्तक है। इस पुस्तक में आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी के रूप में मिल जाएंगी, काफ़ी अच्छी पुस्तक है। अगर आप मेंस में ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेते तो आपकी किताब बहुत काम में आती, परंतु अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ज्योग्राफी तो भी ये पुस्तक आपको बहुत मदद करेगी। दोस्तों बात करते हैं भूगोल की अन्य एक और पुस्तक, ज्ञान पब्लिकेशन की है। इसके लेखक हैं ज्ञानचंद यादव, अच्छी पुस्तक है। आपको इस पुस्तक के अंदर मैप के माध्यम से कलरफुल जानकारी के माध्यम से पढ़ने में रोचकता आएगी, काफ़ी कलरफुल पुस्तक है ये। इस पुस्तक के अंदर आपको सभी प्रकार के फैक्ट्स जो आपकी कांस्टेबल की एग्ज़ाम हो या MPPSC की एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम के बहुत सारे फैक्ट्स आपको मैप के माध्यम से और छोटी मोटी जानकारियों के माध्यम से आपको उपलब्ध है। अच्छी पुस्तक है, पढ़ सकते हैं एक बार, याद रखिएगा ज्ञान भूगोल। दोस्तों अब बात की जाए संविधान विषय की। संविधान डायरेक्टली हमारी एग्ज़ाम्स का विषय नहीं है, इसे टॉपिक का नाम दिया गया है भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था में हमें राष्ट्रपति, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन सभी क्षेत्रों के बारे में पढ़ना पड़ता है। इन सभी का स्रोत अन्य अन्य किताबें होती हैं। विविध किताबों में हम कौन सी पुस्तकों का चयन करें जो हमारी राज व्यवस्था के टॉपिक को कंप्लीट करें, इसके लिए मैंने चार प्रकार के आधार बनाए हैं। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ बियर एक्ट, दूसरे स्तर पर हम पढ़ते हैं इसमें M. लक्ष्मीकांत का विस्तृत अध्ययन। इसके अलावा यहाँ पर और दो किताबें हैं जो छोटी छोटी सी हैं, एक हैंडबुक है भारतीय संविधान के नाम से ही आती है, और चौथा और अंतिम चीज़ है क्लास नोट्स। हमारे एक टीचर हैं अशेंद्र मिश्रा सर, ये संविधान के बहुत अच्छे टीचर हैं MP के। अगर आपको अशेंद्र मिश्रा सर के जो ओरिजिनल नोट्स हैं अगर वो आपको मिल जाते हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। इसके अलावा आपको और पढ़ने की कुछ आवश्यकता नहीं होती। अब बात कर लेते हैं पुस्तकों की। तो संविधान की सबसे पहली पुस्तक है आपका संविधान का हैंडबुक। दोनों तरफ से सेम दिखता है संविधान का, छोटी सी हैंडबुक है ये, पॉकेट बुक इस पर लिखा हुआ है। संविधान की छोटी जानकारी आर्टिकल के साथ और उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन, अच्छी आसान भाषा की ये पुस्तक है, ये आप पढ़ सकते हैं। अन्य बात करें तो खेत्रपाल पब्लिकेशन का जो बियर एक्ट है, बियर एक्ट आप पढ़ सकते हैं। बियर एक्ट की जो पुस्तक है वो कुछ इस प्रकार की है, मेरे पास ये बियर एक्ट थोड़ा पुराना है। ये है भारत का संविधान, खेत्रपाल पब्लिकेशन इंदौर से ये पुस्तक छपती है, बहुत अच्छी पुस्तक है। इसमें पूरी जो संविधान है उसकी जो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल वाइज आपको दे रखा है, इंग्लिश और हिंदी दो भाषाओं में पुस्तक है, बायलैंग्वल पुस्तक इसको कह सकते हैं आप। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आप ये पढ़ेंगे। एक्चुअली हर विद्यार्थी के पास जो तैयारी कर रहा है उसके पास बी एड होना आवश्यक है, ताकि उसे किसी भी आर्टिकल के कि किस आर्टिकल में क्या बात लिखी है वो जानकारी मिल जाए।
अगली पुस्तक आती है आपकी बौद्धि प्रकाशन इलाहाबाद से छपती है ये, परीक्षा वाणी। इस पुस्तक के अंदर आपको संविधान के वो फैक्ट्स मिलेंगे जो आपको बीयर एक्ट और हैंडबुक नहीं देती। इसके अतिरिक्त इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे यहाँ पे परीक्षा दृष्टि के जो कॉलम बने आते हैं, इन कॉलम के अंदर परीक्षा के अंदर आए हुए सभी प्रश्नों को लिखा जाता है, उस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं ये किताब आपको बता देती है। बहुत अच्छी किताब है ये, एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस किताब के बारे में मैं आपको एक राज की बात बता दूं दोस्तों, बहुत सी कोचिंग जो हैं संस्थान वो इस किताब के आधार पर आपको नोट्स बना के देते हैं। अधिकतर कोचिंग वाले इसी किताब के आधार पर ही अपनी क्लासेस लेते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वो नोट्स कहाँ से बना रहे हैं, वो सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये किताब एक बार पढ़ लीजिए, उनके नोट्स मैच कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बहुत अच्छी किताब है इस आधार पर। अगली बात की जाए दोस्तों, ऐसी किताब की जो आपके संविधान के विषय को कवर करती हो। दोस्तों बात की जाए संविधान की अन्य किताब की, अगर आप डिस्क्रिप्शन में या डिटेल में किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे अच्छी किताब है एम लक्ष्मीकांत। इस किताब के अंदर आपको विस्तार से हर एक क्षेत्र के बारे में जानकारी मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी किताब है। भारतीय राज व्यवस्था के नाम से किताब आती है, फॉर सिविल सर्विसेज, हर विद्यार्थी इसको पढ़ता है, ठीक है, अच्छी पुस्तक है। अब बात की जाए क्लास नोट्स की, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, हमारे श्री अशेंद्र मिश्रा सर, उनके ये क्लास नोट्स हैं। इस क्लास नोट्स में, ये बहुत पुराने क्लास नोट्स हैं, 2011 में जब मैं तैयारी करता था उस दौरान मैंने ये क्लास नोट्स बनाए थे। इस प्रकार के नोट्स अगर आपको मिल जाए, क्लास के नोट्स आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अर्थव्यवस्था अगर आपको पढ़नी है तो अर्थव्यवस्था के विषय में आपको बहुत सारी मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, आप कुछ पुस्तकें पढ़ सकते हैं, जैसे सबसे पहली पुस्तक है आपकी बौद्धिक प्रकाशन की, भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके अंदर उसी प्रकार से परीक्षा के महत्वपूर्ण तथ्य हैं और बहुत सारी इसकी जानकारी है, अच्छी पुस्तक है, इकोनॉमिक्स के लिए आप पढ़ सकते हैं। परंतु ये संपूर्ण जानकारी इस पुस्तक में भी नहीं है, आपको अतिरिक्त पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे कि ये दूसरी पुस्तक अगर आप पढ़ना चाहते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, तो मैगजीन्स ले सकते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र मैगजीन्स आती है, इसमें आपको योजनाएँ मिल जाएंगी। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण का विशेषांक जो छपता है अर्थशास्त्र को लेकर, ये किताब आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। इसके अतिरिक्त आपको छोटी मोटी जो आपकी मैगजीन्स आती हैं, जैसे आपके पास जो भी उपलब्ध हो, जो न्यूज़पेपर्स उपलब्ध हो जिनमें इकोनॉमिक्स के संबंध में जानकारी आती है, वो आप पढ़ के अपने इकोनॉमिक्स को मजबूत कर सकते हैं। अब बात की जाए इंग्लिश की, इंग्लिश अगर आपका बेसिक कमज़ोर है और आप अपने बेसिक को सुधारना चाहते हैं, तो इंग्लिश के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की एक बहुत अच्छी पुस्तक आती है, बहुत ही साधारण भाषा में आपको ये अंग्रेजी सिखा देगी। आपके टेंस, नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इंग्लिश के टॉपिक्स में पूछी जाती हैं, वो इस पुस्तक के माध्यम से कवर हो जाएगी। ये पुस्तक आपको SSC में और MPSI के इंग्लिश के पेपर में, जो कि 30 नंबर के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक है, एक बार ज़रूर पढ़ें। दोस्तों बात की जाए अब ऐसे सब्जेक्ट की जो आपके इतिहास, अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था, भूगोल, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, MP, विज्ञान, इन सबसे हटकर वो विषय है आपका GK, जिसको आप सभी बहुत हल्के में लेते हैं, और यही जो टॉपिक है GK वाला, ये आपको एग्ज़ाम में पछाड़ देता है। इस टॉपिक की तैयारी किस प्रकार से की जाए, अगर कोई एग्ज़ाम आपकी 100 नंबर की आ रही है तो उसमें लगभग 30 से 40 प्रश्न GK के होते हैं। आपको ये सरल लगते हैं, परंतु आप 40 प्रश्नों में से 20 तो हल कर सकते हैं, किंतु 20 प्रश्न आपके लिए मुसीबत की स्थिति है वो क्रिएट कर देते हैं। इन प्रश्नों का हल आपको बहुत सारी अलग अलग किताबों में मिलेगा। अब इनको पढ़ने के लिए कोई एक पुस्तक नहीं है, सबसे अच्छी पुस्तक मैं इनको मानता हूँ कि 2-3 पुस्तकें हैं जो मैं प्रिफर करता हूँ। सबसे पहले बात की जाए GK को कवर करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की आपके पास एक प्रश्न बैंक वाली किताब होनी चाहिए, जिसमें लगभग 14,000-15,000 प्रश्न हो, और ये प्रश्न आप पर डे लगभग 200-500 प्रश्न रोज लगाएं, ताकि आपका जो GK है और जो अदर जानकारी है वो आपकी फुलफिल हो सके। इसी के अलावा घटना चक्र के सब्जेक्टिव वाइज GK के प्रश्न आते हैं, वो किताब भी आप खरीद सकते हैं। अगली बात की जाए GK के लिए ही, तो GK के लिए सबसे अच्छी पुस्तक मेरी नज़र में है, आप देख पा रहे हैं, ये है आपका टॉप स्पीड। टॉप स्पीड की जो ये पुस्तक है, ये बहुत अच्छी पुस्तक है। टॉप स्पीड इसके ऊपर लिखा हुआ है, एडवांस सामान्य ज्ञान, ठीक है। ये पुस्तक आपके जो लूसेंट की जो संभावनाएं थी, जो लूसेंट, जैसे कि आपको पता है कि लूसेंट हर व्यक्ति पढ़ता है, परंतु अब लूसेंट का ज़माना गया,
उसके स्थान पर ये टॉप स्किट की नई बुक आ गई है, आप इसको खरीदें और इसको पढ़ें। ये विविध प्रकार के आपके जीके के तथ्य जो हैं संकलित करे हुए हैं, आपकी बहुत सहायता करेगी, ठीक है, विश्वास कीजिए और ये पुस्तक एक बार खरीदिए। नेक्स्ट पुस्तक की अगर बात की जाए तो बहुत सारे टॉपिक्स को समझने के लिए आपके पास मैप होना चाहिए, विद्यार्थियों से मैप की अपेक्षा की जाती है। एक और टॉपिक बच गया है, वो है एमपी। एमपी के लिए कौन सी पुस्तक पढ़ना सबसे अच्छा होगा? तो एमपी के लिए जैसा कि आपको पता है कि अरिहंत हो गया, उपकार हो गया, पुणेकर हो गया, एमपी में बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन हैं जो एमपी की किताबें छापते हैं, परंतु मैं प्रेफर करता हूँ उपकार पब्लिकेशन की। इसके डाटा जो रहते हैं ऑथेंटिक होते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है और हर साल अपडेट होकर आ जाती है। इसके अलावा महावीर और पुणेकर भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको एमपी के विविध तथ्य जानकारी चाहिए तो कौटिल्य एकेडमी के कुछ नोट्स हैं, जैसे कि मेरे पास आपको ये पुराने नोट्स दिख रहे होंगे अलग अलग साल के, ये बहुत अच्छे नोट्स हैं। अगर आपको इस प्रकार के नोट्स मिल जाते हैं तो इन नोट्स के माध्यम से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, ठीक है। कौटिल्य एकेडमी के मुख्यालय पर आप संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं, ईजी वे में आपको वहाँ से मिल जाएंगे। हो सकता है आपको कुछ पे करना पड़े, परंतु इसकी कीमत जो है वो बहुत अच्छी है, ये आपको अधिकारी बना सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए एमपी के लिए तो आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की मोटी पुस्तक, काफ़ी मोटी आती है, वो पढ़ सकते हैं। दोस्तों, पुस्तकों के इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आप किसी अन्य पुस्तक के ऊपर कोई रिव्यू चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, एक विषय और बच जाता है, वो है समसामायिकी। समसामायिकी ऐसा विषय है जिसके बारे में आप प्रतिदिन मैगजीन्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ सकते हैं। बहुत सारी मैगजीन्स मार्केट में उपलब्ध हैं, जो भी आपको सुलभ लगे, आपके बजट के अनुसार हो, आप वो मैगजीन्स पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको टारगेट जैसी जो छोटी मैगजीन्स आती हैं पतली साइज़ की, वो मैगजीन्स पढ़ना चाहिए, वो बहुत अच्छी मैगजीन्स होती हैं। इसके अलावा घटना चक्र हो गई और प्रतियोगिता दर्पण या प्रतियोगिता निर्देशिका, इस प्रकार की पुस्तकें भी, मैगजीन्स भी आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अन्य प्रकार की किसी भी जानकारी के लिए या किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। टिल देन, बाय बाय।